नमस्कार, मैं हूँ आदित्य और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं जिनका नाम है वैशाली। और आज हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आज हम यहाँ पे क्यों आए, आज सुबह जब मैं उठा तो मैं पूरा वैशाली सोच के आया था कि आज मैं आपके सामने आऊंगा और बोलूंगा कि यार आज की गुड न्यूज ये है कि बैड न्यूज अच्छी है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर मैं आपको बोलूंगा कि देखिए आज की गुड न्यूज ये है कि बैड न्यूज जो फिल्म है वो अच्छी है, लेकिन वैशाली, लेकिन मेरे दोस्तों मैं शायद ये ना बोलूं, तो मैंने आज सुबह बैड न्यूज जो फिल्म है उसको देखी है। वैशाली के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वैशाली ने ट्रेलर देखा है, तो वैशाली प्लीज शूट कीजिए उन क्वेश्चंस को। आदित्य, पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये अपने आप में ही ये शब्द जो है एक टंग ट्विस्टर है, हेट्रो पटर्नल सुपरफिकंडेशन, जिस पे ये फिल्म बेस्ड है, इसके बारे में हमें बताइए कि ये है क्या कॉन्सेप्ट। और मैंने सुना है ये रियल इसके केसेस हो चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, तो फिल्म में ये कैसे दर्शाया गया है उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले ना तो हमें ये समझना होगा और हमारे दर्शकों को भी ये समझना होगा कि ये जो टर्म है ये बेसिकली है क्या। ये होता है कि जब एक वुमन जो है वो प्रेग्नेंट होती है और उनके दो फादर्स होते हैं, यानी कि अगर अंग्रेजी में उसको देखा जाए तो व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट विद टू मेन, और यही उस फिल्म में लेकिन अब दर्शाने की जब आप बात करिएगा वैशाली, तो ऐसा तो नहीं है कि अब विक्की कौशल वहां पे खड़े हो गए और वो बताने लगे कि देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो टर्म है ये इवेंचुअली एक सीन के बाद दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन, जब 10-15 सीन्स आ जाते हैं फिल्म में तब आप समझते हैं कि अच्छा, जैसे कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं होता है, वो हम लोग नहीं पिक्चर बनाते थे, एक को दो से जोड़ा, दो को चार से जोड़ा, चार को पांच से जोड़ा और इवेंचुअली फिर समझ में आता था कि ये पिक्चर जो है एक पक्षी की है या एक बंदर की है, जिसकी भी वो। ठीक उस तरह इसी फिल्म में धीरे 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 अनफोल्ड होके आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिस फिल्म जिस 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 कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म आधारित है। आदित्य, मुझे जानना है कि सेंसर बोर्ड ने रिपोर्टेडली इस फिल्म में कुछ सीन्स काटे गए क्योंकि सीन्स बहुत ही ज्यादा इंटीमेट थे, और अगर आप वो गाना सुने जानम, जिसमें बहुत ज्यादा सिजलिंग केमिस्ट्री है विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी के बीच में, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या फिल्म में एक्चुअली इतने इंटीमेट सीन्स हैं कि नहीं है। देखिए, ऐसा है वैशाली और हमारे जितने भी दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप एक फिल्म में ऐसे एक रेयर कंडीशन की बात करती हैं, और वो कंडीशन क्या होता है भाई कि एक जो लड़की है वो उनके दो बच्चे हो जाते हैं, ट्विंस हो जाते हैं जब वो दो लोगों के साथ रिश्ते बनाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप फिल्म में दो फूल को दिखाएंगे और उनको टिंगलिंग करते हुए, या उनको जो ऐसे पुराने फिल्म समय में होता था कि दो फिल्म आ गए, दो फूल आ गए एक साथ और वो लोग आपस में जुड़ने लगे, मिलने लगे, तो ऑफ कोर्स आपको उसको दिखाने के लिए कुछ सीन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इस फिल्म में वैसा कोई सीन नहीं है। आप इसको आराम से अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, इस फिल्म में कहीं भी ऐसा कोई सीन नहीं है जो कि लगेगा कि नहीं नहीं ये हम नहीं देख सकते, भाई साहब ये हमने क्या देख लिया, ऐसा कुछ नहीं। बट आदित्य, विक्की कौशल को मैंने सैम बहादुर में देखा है, वो ऐसे रोल्स बहुत ही अच्छी तरह ऐसे करते हैं, बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कॉमेडी में उनका ये कदम कैसा है और उन्होंने कैसी एक्टिंग करी है फिल्म में। बिल्कुल वैशाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि विक्की कौशल, देखिए क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, हमारे दोस्तों ने भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक टर्म आता था कि एक चीज जो होती है वो लिक्विड होती है, एक चीज होती है जो सॉलिड होती है। कुछ एक्टर्स होते हैं बिल्कुल सॉलिड की तरह होते हैं, उनको आप जो रोल दे दीजिए उन्हीं के तरफ से वो जैसे बने हुए हैं वो उसी में रोल में बड़ा अच्छा करेंगे। जब आप विक्की कौशल की बात करती हैं, और मैं अपने दोस्तों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो विक्की कौशल के लिए फिल्म देख सकते हैं। विक्की कौशल एक वाटर है यार, वो पानी की तरह कहीं भी किसी भी रोल को इतना अच्छा एम्बाइब करते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि ये वही इंसान है जो राजी में भी था, ये वही इंसान है जो सैम बहादुर में भी था, और ये वही इंसान है जो इस फिल्म यानी बैड न्यूज में भी था। तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रोल निभाया है विक्की कौशल ने। आदित्य, अब हम बात विक्की की कर रहे हैं तो मुझे उस गाने की बात करनी है, तौबा तौबा, जिसमें विक्की कौशल के जो स्टेप्स हैं उन पे मीम्स बन रही है, वो वायरल हो गया है, सिग्नेचर स्टेप जी। और विक्की कौशल को इस तरह से डांस करते हुए मैंने तो पहली बार देखा है, आपको कैसे लगे वो इन गानों में? नहीं देखिए, ऐसा है कि जब दर्शक हमारे जाएंगे फिल्म थिएटर में फिल्म देखने के लिए, तो वही बात है ना कि विक्की कौशल जो है वो सिर्फ एक डायरेक्टर के एक्टर नहीं है, डायरेक्टर्स एक्टर जिसको कहते हैं, वो एक ऐसे एक्टर है वैशाली जो कि पूरे फिल्म को बहुत अच्छे से समझता है, हर एक जिसको कहते हैं ना तासीर को बड़े अच्छे से समझता है, वो समझता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए तो पूरा जो सीन है वो उभर कर आए। और जब आप उनके डांस की बात करती हैं, डांस उन्होंने बेहतरीन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशन, उनकी एक्टिंग आप देख लीजिए, उनके उनके चेहरे पे, उनके आंखों में वो एक्टिंग दिखती है, वो एक्टिंग झलकता है, उनके इमोशंस दिखते हैं, और इस बार भी उनके जो डांसिंग मूव्स हैं
वो उसमें उसमें ये इमोशन बहुत साफ झलका है। आदित्य मुझे एमी विर्क के बारे में आपसे पूछना है क्योंकि उनकी पंजाबी फिल्म्स और वो सिंगर है, बट इस पिक्चर में उनकी कैसी एक्टिंग रही है बताइए। देखिए एक सिंगर जो है वो ऐसा नहीं है कि एक्टर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि शायद बॉलीवुड में उनको जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि उनको एक, देखिए क्या होता है ना कि अगर बॉलीवुड में मैं आपको एक रोल दे दूं और मैं रोल आपको दे दूं कि भैया ये जो रोल है, ये जो आदमी है, ये जो शख्स है, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, ये ज्यादा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब विक्की कौशल और एमी जी में डिफरेंस ये है कि विक्की कौशल पूरे सीन को समझते हैं, पूरे फिल्म को समझते हैं और वो अपनी एक्टिंग, अपना इमोशंस वैसे सबके सामने वो परिलक्षित करते हैं। बट जब आप एमी जी की बात करेंगे, इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्टर की तरह एक डायरेक्टर पर्सन होकर रोल निभाया है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर कोई करके जाए उनसे तो वो थोड़ा फीका पड़ गया इस बार। आदित्य मुझे आप एक ओवरऑल व्यू दीजिए फिल्म के बारे में जी, क्या ऑडियंस को ये फिल्म जाके देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच है, अब आप फाइनल वर्डिक्ट अपना दीजिए। देखिए फाइनल वर्डिक्ट वैशाली मेरा ये है कि मैं जैसे आपसे पहले भी बता रहा था कि डबल थम्स अप का रूल हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब डबल थम्स अप का रूल ऐसे रखेंगे कि ये हो गया 0.5 थम्स अप, ये हो गया 1 थम्स अप, ये हो गया 1.5 थम्स अप और ये हो गया डबल थम्स अप। 0.5 थम्स अप यानी कि भैया ओटीटी पे आए तब देख लेना, 1 थम्स अप यानी मतलब वह देख सकते हो, 1.5 थम्स अप मानी भाई एक बार देख सकते हो अच्छी फिल्म है, और डबल थम्स अप मतलब जरूर देखो। तो दर्शकों को इतने अच्छे से समझा के मैं ये बोलना चाहूंगा इस फिल्म को वैशाली मैं देना चाहूंगा 0.5 थम्स अप। ये ओटीटी पे आए तभी देखा जाए तो बेहतर है। अब आदित्य आप जो भी रिव्यू देखे, मैंने तो डिसाइड कर रहा है कल मेरा वीकली ऑफ है, विक्की कौशल के लिए जो तो मैंने पिक्चर जरूर ही देखनी है। बिल्कुल विक्की कौशल के लिए वैशाली और जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, इफ यू वांट टू वॉच दिस फॉर विक्की कौशल प्लीज जाइए और विक्की कौशल के लिए देखिए, इनफैक्ट तृप्ति के लिए भी देखिए, उनकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन डायलॉग्स और अच्छे हो सकते थे। अच्छा है आदित्य आपने हमारे दर्शकों को बता दिया है, अब ऑफ कोर्स ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि फिल्म हिट होगी या नहीं होगी बॉक्स ऑफिस पे, उसको जानने का मुझे बहुत इंतजार है। बिल्कुल 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 वैशाली हमारा छोटा सा रिव्यू जनता जनार्दन, आप जाएं और देखें और बताएं कमेंट्स में कि आपको कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।